एकदम खुली खुली जगह हो गई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरी स्ट्रगल भरी लाइफ में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। वैसे आज मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो इस चक्कर को इस डब्बे में डालना है और फिर इन साबुन को लगाना है साबुन वाले सेक्शन में। फ्रिज की हालत भी कुछ ऐसे हो चुकी है, कोल्ड ड्रिंक भी खत्म हो चुकी थी और ये पीछे की दीवार देखो, यहाँ पर भी बहुत सारी लड़ियाँ खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत सारी नई लड़ियों को लगाना है, यानी कि आज मेरे पास काम बहुत सारे है, तो फटाफट से काम पे लग जाते हैं। वैसे ये देखो गाइस, मैंने यहाँ से गेमिंग सेटअप हटा दिया ना, तो यहाँ पर एकदम खुली खुली जगह हो गई। पहले यहाँ पर जो टीन के डब्बे थे ना, जिस कारण आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, पहले लेकिन अपने आराम से आया जाया जा सकता है। और सारे डब्बे मैंने यहाँ पर लगा दिए। सबसे पहले तो फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स ही लगा देता हूँ, क्योंकि इन्हें ठंडा होने में बहुत ही टाइम लगता है। तो चलिए फटाफट से घर के अंदर से बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक को लाता हूँ और फ्रिज में लगाता हूँ। ये रहा एक राइट का, ये वाला दूसरा, ये तीसरा, चार, ये रहा पाँच, ये रहा छठा और ये आखिरी का सात। तो गाइस, ये रहे वो सारे कोल्ड ड्रिंक के बॉक्स जिन्हें मुझे फ्रिज के अंदर लगाना है। तो चलिए सबसे पहले इन्हें साफ कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये देखो इनके ऊपर बहुत ही धूल जम चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पूरी, यानी कि इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट जम चुकी है ना, तो इसे सबसे पहले साफ करना पड़ेगा और फिर इन्हें लगाते हैं फ्रिज के अंदर। चलिए गाइस, कट करते हैं इसे फटाफट से। पिछले साल स्प्राइट ज्यादा बिकती थी और इस साल स्टिंग वाली बॉटल। वैसे हम तो लाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, कस्टमर यही मांगते तो हमें भी यही रखना पड़ता है। चलिए यार, जल्दी जल्दी इनको साफ कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें ठंडा होने में भी टाइम लगता है। आज मैं, यानी कि अब मैं इसे रखूँगा तो लगभग 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे इन्हें ठंडा होने में। तो चलिए गाइस, मैंने इन बोतलों को अच्छे से साफ कर लिया, फटाफट से इनसे को फ्रिज के अंदर रख देते हैं। और अभी देखो फ्रिज की हालत बहुत ही बेकार हो चुकी है अभी तो। चलिए फटाफट से इनको लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और इस साइड में आएंगे स्प्राइट। तो चलिए मैं फटाफट से इन सभी को फ्रिज में लगाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। मैंने फ्रिज को कोल्ड ड्रिंक से एकदम पूरा भर दिया, यहाँ पर देखो बिल्कुल भी जगह नहीं बची, यानी कि यहाँ तक भर दिया। अभी यहाँ पर थोड़ी सी जगह दिख रही होगी आपको, लेकिन यहाँ पर रखने के लिए मैंने बड़ी वाली स्प्राइट को मंगवाया, जो कि शाम तक आ जाएंगे, तो शाम को उसे लगाते हैं। वैसे यार गाइस, ये सामने वाला सेक्शन थोड़ा सा बेकार लग रहा है दिखने को, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर नई वाली लड़ियों को लगाता हूँ कुरकुरे की। ये देखो मेरे पास यहाँ पर 2-3 लड़ियाँ बाकी, तो इन्हें यहाँ से निकालते हैं और अब इन लड़ियों को लगाते हैं यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड। तो चले गए फटाफट से लगा देते हैं इन पैकेटों को। यानी कि इससे क्या होता है, ये पीछे वाला जो एरिया है ना, वो ढक जाता है और दिखने को भी अच्छा लगता है। ये तो हो चुका है, यहाँ पर एक आ जाएगा, 2 पैकेट है गाइस। अब देखो दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना यार, पीछे का एरिया भी ढक जाता है और कस्टमर को एक अच्छे से लुक दिखता है दुकान का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो। यहाँ पर थोड़े बहुत रह गए, तो यहाँ पर मैं ऊपर से निकाल लेता हूँ नए वाले पैकेटों को और फिर ये वाला एरिया भी ढक देते हैं। कौन? हाँ। पैसे कौन? तो चले गए अब लगाते हैं साबुन को। मैंने साबुन का बॉक्स यहाँ पर कट कर लिया है, जिन्हें की मुझे यहाँ पर लगाना है कुछ इस तरीके से। फटाफट से लगा देते हैं, फटाफट से लगा देते हैं सभी को यहाँ पर। वैसे मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर यानी कि शेल्फ बनाना पड़ेगा। मैंने अभी पानी बोतल के जो बॉक्स होते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया है इन्हें रखने के लिए। देखो इस साइड में एक पानी बॉक्स है, इस साइड में एक पानी बोतल का बॉक्स और उसके ऊपर एक यानी कि प्लाईवे रखा है और उसके ऊपर हम साबुन रखते हैं। एक शक्कर और ये 10 वाला प्रवीण मसाले का पैकेट। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके, कल मैंने जो सामान मंगाया था ना वो भी दुकान पर आ चुका है। ये कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवाई थी मैंने और ये कुछ नमक की बोरियां लगभग 4-5। कुछ बोतलें तो बॉक्स के नीचे ही गिर गई, इन्हें भी साइड में रख देते हैं अभी के लिए। तो मैंने नमक की बोरियों को दुकान के अंदर रख दिया है। दुकान में शक्कर के पैकेट भी खत्म हो चुके थे, फटाफट से शक्कर के पैकेट बनाते हैं और इस बोरी के अंदर की शक्कर मुझे डब्बे में भी डालनी है, बहुत सारे काम बाकी है अभी भी। चलिए फटाफट से काम पर लग जाते हैं। मैंने थैलियां रखने के लिए कुछ इस तरीके का जुगाड़ किया था अलग अलग रखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 1 किलो शक्कर आराम से आ जाती है। निकल जा भाई। इनसे भी मैं सबसे पहले शक्कर भर लेते हैं और फिर 1-1 किलो का पैकेट बनाकर और फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस ये रही नई वाली बोतल, ये है मैंगो की और ये स्प्राइट की। तो चलिए फटाफट से इनको भी फ्रिज के अंदर लगा देते हैं। तो दोस्तों अभी रात के 10:30 बज चुके और मैंने अपनी दुकान भी बढ़ा ली है और सारे लाइट भी बंद कर दिए। यार आज का दिन थोड़ा सा बिजी गया, बहुत सारे काम थे आज और कल भी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जैसे यार दुकानदार की लाइफ कुछ ऐसी होती,
तो चले गए आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।